यूपी के बलिया जिले में परिषदीय स्कूलों में बच्चों के हिस्से का दूध कौन पी रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पढ़ाई लिखाई पर पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, वहीं उसके बावजूद शिक्षकों में सुधार नहीं हो रहा है। धरातल पर सच्चाई जानने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह स्वयं विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और तत्काल एक्शन लेते हुए जिम्मेदार प्रधानाध्यापक को सस्पेंड व कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद भी हम नहीं सुधरेंगे कि तर्ज पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय मंदा पर कार्रवाई नहीं होने से शिक्षकों के हौसले बुलंद है और ग्रामीणों में आक्रोश। बुधवार को मध्यान्ह भोजन का रियलिटी चेक किया गया। शासन के मंशा अनुसार बच्चों को बुधवार दूध मिलता है या नहीं, इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय छितौनी 03 पर सुबह 10 बजे तक बच्चों को दूध वितरण नहीं किया गया था। पूछे जाने पर प्रधानाध्यापक ने बताया कि 11 बजे तक आएगा दूध। कितने बजे तक दूध आता है? 10 बजे के बाद आएगा। 10 बजे के बाद आएगा दूध? तो दूध 10 बजे के बाद आएगा तो फिर कब खिलाएंगे, कब पिलाएंगे? 10:30-11 बजे तक खिलाना है। 10:30-11 बजे तक खिलाना है, तो 10 बजे के बाद ही दूध आता है। अच्छा। फिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय छितौनी पर चेक किया गया, सभी स्टाफ उपस्थित रहे एक सहायक अध्यापिका को छोड़कर। रसोईया ने बताया नामांकन 150 बच्चों का और दूध 100 बच्चों के लिए 13 लीटर आया। आपका? अच्छा, कितने यहाँ पे रसोईया हैं? दो। अच्छा, आज क्या खिलाया जाएगा बच्चों को? दहरी। और कुछ? दूध आ गया है? दूध कहाँ है? दूध दूध दिखाइए। कितना है दूध? 13 लीटर। कितना है दूध? 13 लीटर। फिर 11 बजे पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर पर रसोईया ने बताया अभी दूध नहीं आया। आपका आपका क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, रसोईया है यहाँ पे? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, प्राथमिक विद्यालय चौहान बस्ती पे। क्या बना है आज? आज तहरी बना है। अच्छा अच्छा, तहरी बना है। अच्छा, और कुछ? और सब कुछ बनेला, दाल चावल सब्जी आज तो बुधवार है, आज दूध होना चाहिए। दूध तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आपके यहाँ। आज तो बुधवार है, तारीख के साथ दूध मिलना चाहिए ना, तो दूध तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों को आज। नहीं आता है कभी? अच्छा, तो आज इसी तरीके से खिला के इसी तरीके से बच्चों को अपना वो कर रहे हैं ना। फिर संवाददाता ने ग्रामीणों की शिकायत पर प्राथमिक विद्यालय चौहान बस्ती शिक्षा क्षेत्र रसड़ा पर धरातलीय जांच किया। रसोईया ने बताया कि साहब आज दूध नहीं दिया गया बच्चों को। फिर संवाददाता ने दोनों जिम्मेदार प्रधानाध्यापकों से SDI मनोज सिंह से बातचीत कराई गई। सबसे बड़ी विडंबना रही कि प्राथमिक विद्यालय रामपुर चौहान बस्ती में 3 स्टाफ में 2 ही लोग रहे, 1 अनुपस्थित रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस स्कूल पर काफी दिनों से नहीं आती है। वहीं जिम्मेदार प्रधानाध्यापक से कैमरे पर बातचीत से इनकार कर दिया। फिर संवाददाता ने BSC मनीराम सिंह जी के मोबाइल पर संपर्क किया और इन जिम्मेदार प्रधानाध्यापक की लापरवाही पर ध्यान आकृष्ट कराया। जनपद के रसड़ा शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन ऐसे शिक्षक कार्यरत है जो कागजों में तो ऑन ड्यूटी उपस्थित है मगर अधिकांश समय प्रयागराज तैयारी में लगे रहते हैं। अपने वेतन के हिस्से का कुछ भाग हर महीने चढ़ावा चढ़ाकर आराम से तैयारी कर प्रयागराज त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। ऐसे में कैसे नौनिहालों का भविष्य संवरेगा, यह प्रश्न है साहब। हुजूर भी सोचते हैं कि आखिरकार वेतन से ज्यादा ऊपरी कमाई है फिर क्या परेशानी है। हालांकि यह महज बानगी भर है, जनपद के लगभग सभी तहसील क्षेत्र में ऐसे शिक्षकों की संख्या होगी जो चावा चाकर प्रयागराज के त्रिवेणी तथा वाराणसी के 80 घाट का आनंद ले रहे होंगे। मगर अब ऐसा लग रहा है कि पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी क्योंकि नए BSC ने पिछले दिनों सिघम की तर्ज पर ताबड़तोड़ स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और सभी को हिदायत दी कि यह जिला शिक्षा के मामलों में बेपटरी हो गया है, जल्दी ही इसे पटरी पर लौटाना है। नौकरी करनी है तो स्कूल पर आना होगा, वाराणसी व प्रयागराज में डुबकी ना लगाएं। गंगा की गोद में बसा बलिया महर्षि भृगु ऋषि की नगरी में डुबकी लगाकर धन्य हो जाए, साथ ही यहां के छात्रों को शिक्षा की नदी में डुबकी लगवा कर धन्य हो। समाचार A2Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। ये सभी स्टाफ जो है, 10 स्टाफ दिख रहे हैं, सभी लोग आ गए हैं जी, जी, तो इसमें पूजा त्रिपाठी तो आती है कभी ये धरातल पे? हाँ। क्या नाम पड़ेगा? हमने क्या है? हाँ? हमारा तो मुन्नी नाम है। आपका? पुष्पा।
अच्छा तहरी बना रहे हैं। और आज तो बुधवार है, तो दूध कहाँ है? दूध कहाँ है? कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जो है बेसिक शिक्षा को जो है पटरी पर लाने के लिए ताबड़तोड़ अभियान चला रही है और ताबड़तोड़ बच्चों को किताब और शिक्षा पे पढ़ाई लिखाई पे पानी की तरह से पैसा बांट रही है, लेकिन जिम्मेदार उसको कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में देखकर रसड़ा शिक्षा क्षेत्र के एक वानगी के रूप में देखेंगे प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ तीन कहने के लिए तो एक दो सहायक अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जिम्मेदार 11 बज गया है, लेकिन ये लोग दूध ही नहीं करें कि दूध वाले जो है आज आए ही नहीं हैं और दूध नहीं पिलाए हैं। हालाँकि बातचीत कैमरे पर कहने के लिए किए तो बातचीत भी नहीं किया, हालाँकि ऐसे में जो है क्षेत्र के SDI से हमने संपर्क किया और यहाँ के बारे में अवगत किया। आप देख सकते हैं कैमरे पर किस तरह से कायाकल्प की योजना जो है धरातल पर उड़ाया जा रहा है। कायाकल्प में कुछ इस विकास नहीं हुआ है, बच्चों की रंगाई पोताई जैसे भी आप कहें देख लीजिए, बच्चे के सामने देखिए मुख्य गेट पर कितनी गंदगी लगी हुई है और पंखे तो हैं लेकिन इसमें जो है पता नहीं कैसे विभाग की कमी है, किसकी लापरवाही है। आप देख सकते हैं जो है पंखे तो लगे हुए हैं लेकिन बच्चों जो है पसीने से तर तर हैं और शासन की मंशानुसार जो है जिस तरीके से बच्चों को दूध दिया जा रहा है कि बच्चे तंदुरुस्त हों, लेकिन बच्चों का हिस्से का दूध जो है टीचर ही कहीं ना कहीं पी जा रहे हैं, तभी तो इतना बलवान हो जा रहे हैं। हालांकि कैमरे पे बात नहीं करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश समाचार रेडियो की खास रिपोर्ट पिंटू सिंह के। हेलो, हाँ प्रणाम सर, रसड़ा से पत्रकार पिंटू सिंह बोले समाचार रेडियो से। सर हाँ बताइए सर, सर एक ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ताबड़तोड़ अपने निरीक्षण कर रहे हैं और टीचरों को सुधार करने का मौका दे रहे हैं, जिला शिक्षा से भी पटरी हो गई, आप खुद ने कहा है आप पटरी पर सुधार लाने कह रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत आज दिन बुधवार है और बुधवार के दिन जो है आज दूध और तहरी दिया जाता है, लेकिन आज आधा दर्जन विद्यालय को हमने अचूक निरीक्षण किया जिसमें जो है कहीं दूध नहीं बच्चों को पिलाया जा रहा है, सर क्या प्रतिक्रिया होगी सर आपको? नहीं, जो सरकार की योजना है मध्यान्ह भोजन जी सर, उसमें कहीं भी कमी मिलेगी तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर निश्चित कार्रवाई होगी, ये आप सुनिश्चित कर दीजिए जी। हालांकि मैं भी घूम रहा हूँ जी सर, जी सर, और दूध का बच्चों से पूछ रहे हैं दूध मिला है कि नहीं जी, कोई बच्चा ये नहीं कह रहा है कि दूध नहीं मिला जी सर, हाँ मैं जवाब नहीं दे रहे हैं बच्चे जी जी, दूध मिल रहा है तो सबसे बड़ी जो विनम्रता है सर कि जो कागजों में तो यहाँ पे उपस्थिति दिखा रहे हैं लेकिन उपस्थिति कहीं प्रयागराज या वाराणसी में है, ऐसे भी कुछ शिक्षक मिले हैं जो उपस्थिति नहीं हुआ था। देखिए सघन निरीक्षण होने वाला है जी, जो भी कमियां निकल कर आएंगी वो संबंधित प्रधानाध्यापक पर विद्यालय के पूरे स्टाफ पर कार्रवाई होगी अगर ज्यादा कमी निकल जाते हैं। सर कुछ विद्यालय के प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि आप बेसिक साहब का आदेश लाइए तब जाके हम आपको विद्यालय से आपको रसोइये से पूछने देंगे या देखने देंगे, क्या मीडिया ऐसा क्या चौथा स्तंभ है? चौथा स्तंभ जो है दिखाना गुनाह है सर, आखिर बुधवार है मध्यान्ह भोजन है, यहाँ के कुछ अच्छे भी टीचर हैं, भदोही में देखिए एक अच्छा ऐसा टीचर है जिसने पूरा मीडिया ने दिखाया और पूरे वायरल हुआ उस खबर को देखिए उसके बच्चे कैसे रो रहे हैं, लेकिन ऐसे बलिया में जब से आपने चार्ज लिया था। अरे वो भदोही का नहीं है जी सर, अरे वो आपके विद्यालय का, आपके जनपद का है विद्यालय? नहीं सर वो सर नहीं, भदोही वाला पहले वाला मैं कह रहा हूँ, आपके जनपद, हमारे जनपद की बात अभी नहीं कर रहा हूँ सर, भदोही की बात कर रहा हूँ सर। तो सर इनके खिलाफ कार्रवाई हो गया, कुछ शिक्षक जो है पिछले दिनों मंदा पे जो है शिक्षा का मंदिर बंद किए वो सुधरने को नाम नहीं ले रहे सर, उनके अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है, करेंगे हम नहीं सुधरेंगे सर। एक हफ्ता रुक जाइए, एक हफ्ता में पूरा जिला सही हो जाएगा। अच्छा, एक हफ्ता मैं सबको वार्निंग दे चुका हूँ, अब वार्निंग देने का समय बीत गया है जी सर, अब कार्रवाई का समय आ गया है, निरीक्षण होगा, कार्रवाई ये सर जो काशी और प्रयागराज में सर डुबकी लगा रहे हैं उनसे क्या कार्रवाई होगा सर? अब काशी और प्रयागराज में कहीं भी डुबकी लगावे, जो नियम है ऑनलाइन छुट्टी लेकर कहीं भी जा सकते हैं, उससे नहीं मतलब। नहीं सर, ड्यूटी पीरियड में डुबकी लगा रहे हैं, हालांकि आपने कहा था कि महर्षि भृगु की धरती है और महर्षि भृगु की धरती में गंगा में डुबकी लगाएं और समय से ड्यूटी करें, आपने बातचीत के दौरान कहा भी था, उनको संदेश भी पहुंचाया था, लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं रहे सर जी। अरे सुधरेंगे, नहीं कागजों में सर उपस्थिति है लेकिन धरातल पर नहीं हो पा रहे हैं सर, इसलिए ध्यान रखें धरातल पर उपस्थिति होगी। सारे खंड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप
निरीक्षण करिए और जो रिपोर्ट आ रही है उसको कीजिए, कार्रवाई होगी, जबरदस्त कार्रवाई होगी। जी सर, चलिए सर, जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।